हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमेगा स्टडी सेंटर। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इससे पहले हमने अपने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें 4 चैप्टर पार्टनरशिप के हैं और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आप में से किसी ने कोई चैप्टर नहीं देखा है तो आप देख लो, अगर कोई वीडियो मिस है तो वो भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सीक्वेंस में वीडियोज़ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। और आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जो चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। मैंने आपको बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें हमारे पास 4 टॉपिक्स आएंगे आपके प्लस टू के सिलेबस में। वो 4 कौन कौन से होंगे? एक तो हमने कर लिया, व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर रेशियो, क्लियर। उसके बाद आया हमारे पास सेकंड, जो आज हमने स्टार्ट करना है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नंबर थर्ड हमारे पास आएगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एंड लास्ट वन इज डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो हमने ये 4 केसेस करने हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें से हमने ये ऑलरेडी डन कर लिया है, हमारा चेंज इन रेशियो वाला डन है। और आज हमने एडमिशन वाला स्टार्ट करना है, इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर रह जाएगा। ये चैप्टर इकट्ठा दिया हुआ है आपकी बुक में, तो हमने इसे इसके बाद में स्टार्ट करना है। फिलहाल आज हम बात करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो एडमिशन का मतलब क्या होता है? जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, वैसे ही फॉर्म में एक पार्टनर नया ऐड होता है। मान लो 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, 3:2 की उनकी रेशियो है। उन्होंने अब क्या किया, उन्होंने अपने साथ एक पर्सन को और ऐड कर लिया। अब वो न्यू फॉर्म में आ गए, जिसमें उन्होंने 3 पार्टनर का बनाया, कोई भी रेशियो रख ली, 3:1 मान लो या कुछ भी मान लो। लेकिन सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि अगर ए और बी पहले ही बिजनेस कर रहे हैं तो उन्होंने सी को ऐड क्यों किया? उनको क्या जरूरत पड़ गई सी को ऐड करने की? आप सोचो क्यों जरूरत पड़ी होगी सी को ऐड करने की? व्हेन, कब कब जरूरत पड़ती है कि हमने नया पार्टनर कब ऐड करना है? जब हमें लगता हो कि हमारा बिजनेस अभी छोटा है, अभी इसे बड़ा करने की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, मतलब व्हेन एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड इन बिजनेस, बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें पैसा चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा? जो पार्टनर्स पहले काम कर रहे थे, उन्होंने पहले ही पैसा लगा रखा है, तो वो क्या करते हैं, एक नया पार्टनर ऐड करते हैं, जिससे वो उनको वो पैसा मिल जाता है। उसके बाद क्या आया, व्हेन मैनेजिंग कैपेबिलिटी, रिक्वायर्ड, मतलब जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनसे प्रॉपरली मैनेज नहीं हो रहा है अगर सारा कुछ, तो वो क्या करेंगे, या उनको लग रहा है कि अगर हम एक और पार्टनर ले आए तो हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छे से मैनेज होगा, तो वो क्या करेंगे, एक नया पार्टनर ले आएंगे, जिससे उनकी मैनेजिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2 कि किस वजह से हमें नया पार्टनर ऐड करने की जरूरत है। व्हेन, थर्ड केस, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द बिजनेस, अगर वो अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो भी उन्हें एक नए पार्टनर की जरूरत है। वैसे सेम पॉइंट ही हो गया,
वहां पर पैसे की जरूरत बोली गई थी और अब हमारे पास बिजनेस को एक्सपेंड करने की जरूरत है। उसके बाद अगर हमारे पास क्या हो, अगर व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट मोर लिंक्स, मान लो ए को 100 लोग जानते हैं, बी को 100 लोग जानते हैं, 200 लोगों के साथ बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया, लेकिन अब हमें लग रहा है क्यों ना हम 300 लोगों से काम करें, लेकिन इनको तो 200 ही जानते हैं, तो सी को भी तो 100 जानते होंगे, तो इनके लिंक्स और क्रिएट होंगे। तो इसी वजह से अगर हमें लगता है कि हमें मार्केट लिंक्स की ज़्यादा ज़रूरत है और भी हमें चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया पार्टनर लाना पड़ेगा। और अगर मेन पॉइंट, एक और मेन पॉइंट है, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेपुटेशन, द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस की रेपुटेशन हमने इंक्रीज करनी हो, तो सर तीसरे पार्टनर को ऐड करके कौन सी इंक्रीज हो जाएगी? अगर आप तीसरा पार्टनर ही ऐसा ऐड करो कि जिसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा हो कि अगर वो हमारे बिजनेस में आ जाए तो हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाए, तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट मिल सकता है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। इसी वजह से हम नया पार्टनर ऐड करते हैं। मैंने आपको सारे के सारे रीजंस बताए, ओकेजंस बताए, कब कब हमें ज़रूरत लगती है कि हमें नया पार्टनर चाहिए, जब हमें एडिशनल कैपिटल चाहिए, अगर हमारे पास मैनेजिंग कैपेबिलिटी कम है हमें और चाहिए, और अगर हमें लगता है हमें अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए, एक्सपैंड मतलब बढ़ाना चाहिए, बड़ा बिजनेस बनाना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि हमें मार्केट में और लिंक्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नया पार्टनर ले आएंगे और उसके लिंक्स को हम अपने बिजनेस में ऐड करेंगे। और साथ में अगर हम अपने बिजनेस की रेपुटेशन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया पार्टनर ऐसा लाना पड़ेगा जिसकी ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू हो, मतलब हमारे बिजनेस की भी उसके साथ गुडविल इंक्रीज हो जाए। तो ये थे हमारे पॉइंट्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के। अगर हम बात करें अब न्यूमेरिकल्स की या एडजस्टमेंट्स की, कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी जो हमें करनी पड़ेंगी जब एक नया पार्टनर ऐड होगा, तो पहली एडजस्टमेंट क्या होगी, सबसे मेन एडजस्टमेंट, हमारी रेशो चेंज होगी। पहला पॉइंट क्या आएगा, न्यू रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमने पहली एडजस्टमेंट क्या करनी है, सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नंबर सेकंड हमने क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हमने इसमें भी गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सर इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे, समझ नहीं आया। अगर नया पार्टनर आएगा, मान लो ए और बी 2 साल से काम कर रहे हैं, मान लो ए एंड बी 2 साल से काम कर रहे हैं, और ए एंड बी ने 5 कस्टमर या 10 कस्टमर ऐसे पक्के बना लिए जो उनके पास ही आते हैं और कहीं नहीं जाएंगे, और सी आया 2 साल बाद, लेकिन सी को बेनिफिट उसके आने के बाद इन 10 कस्टमर्स का भी तो मिलेगा, तो इसी वजह से वो क्या करेगा, सी जब बिजनेस में एंट्री लेगा वो ए एंड बी को कंपनसेट करेगा जो वो शेयर ले रहा है प्रॉफिट में से, और उसे ही हम बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बेसिकली नया पार्टनर कंपनसेट करता है शेयर के बदले में जो उसको शेयर मिल रहा है ओल्ड पार्टनर से। उसके बाद हमारे पास आएगा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हमने अपने एसेट्स को रीवैल्यूड करना है और लायबिलिटी को भी, जैसा कि हम करके आए हैं पहले वैसा ही हमने आज करना है। उसके बाद आएगी न्यू कैपिटल, हमने नई कैपिटल बनानी होगी,
अकॉर्डिंग टू जो भी उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, और एक न्यू बैलेंस शीट भी फॉर्म में आएगी, मतलब एक नई बैलेंस शीट भी बनेगी। तो ये पांच एडजस्टमेंट्स हमने करनी है जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट करना है। तो पहली एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे, पहली एडजस्टमेंट में हमारे पास क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है पहले मैं आपको ये बताता हूं, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूं आपको। मान लो ए एंड बी, एग्जाम्पल ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 में ए एंड बी पार्टनर हैं। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर इन 1/4 शेयर, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ए और बी पहले ही काम कर रहे हैं 3:2 में, उन्होंने एक नया पार्टनर ऐड किया 1/4 में शेयर में, हमने नई रेशियो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली टिप जो इस क्वेश्चन को करने के लिए है, जो ये हमारा टॉपिक है, ये आज ही कंप्लीट नहीं होगा, इसमें से मैं आपको एक और दो मेथड करवाऊंगा फिलहाल, लेकिन आपको सारे के सारे मेथड्स के लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा कि जब तक आप इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट मैंने लिखी जा आपके सामने बुक में होगी, जब तक आप उस स्टेटमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ोगे आप कभी भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना नहीं सीख सकते। आप अगर रेशियो को सॉरी स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लो तो आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन सर वो कैसे, हमने क्या करना है इसमें, पहले मैं आपको ये कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। हमारे पास हमारे बिजनेस में टोटल शेयर कितना होता है, 1 होता है। लेकिन सर 3:2 ये तो 5 बन गया, फिर आप 1 कैसे बोल रहे हो, टोटल शेयर तो 5 बन रहा है। आप किसी भी रेशियो को ले लो, 3:2, 3+2 5, 3/5 2/5। अगर आप इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर 1 ही आएगा, 5/5 आंसर आ गया 1। अगर रेशो है 4:1 तो 4/5 1/5, फिर भी 5/5 तो आपका आंसर आया 1। अगर 2:2 तो मतलब 2/4 2/4, आप इसे जोड़ोगे फिर भी 4/4 1। तो आप किसी भी रेशो को पकड़ोगे तो आपका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो आपका टोटल शेयर कितना बन गया, 1 बन गया। तो 1 में से हमने क्या किया, हमारे पास टोटल शेयर है 1 और हमने उसमें से 1/4 दे दिया नए पार्टनर को। तो इसके बाद हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम आपको लेना आता है, एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 4-1 3/4। 3/4 हमारे पास क्या बच गया, रिमेनिंग शेयर बच गया। मैं लिख देता हूं यहां पर रिमेनिंग शेयर, ये आ गया हमारे पास सीज शेयर, और ये आ गया हमारे पास टोटल शेयर। टोटल शेयर में से हमने सी का शेयर का माइनस कर दिया तो हमारे पास रिमेनिंग बच गया। रिमेनिंग किसका है, ए और बी का, ऑब्वियस है। ये किसका शेयर है, ए बी, ए एंड बी का। तो हमने ए एंड बी के बीच अब इसे डिवाइड करना है। ए एंड बी के बीच कैसे डिवाइड होगा, 3/4 उनकी ओल्ड रेशियो कितनी है, 3:2 3/5 3/4 2/5, मतलब उनकी रेशियो के साथ, ओल्ड रेशियो के साथ उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आया 9/20, ये आ गया 6/20, ये आ गया ए का शेयर
और ये आ गया बी का शेयर, और सी का हमें पहले ही पता है 1/4, क्योंकि सी तो अभी नया आया है, उसने तो कुछ किया नहीं, उसको सिर्फ शेयर मिला। तो हमने 1/4 का डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर होता है जो नीचे वाली अमाउंट होती है, उसको हमने सभी का सेम रखना होता है। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जितने से मल्टीप्लाई आप नीचे करोगे उतने से ही आपको ऊपर करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 5/20। तो हमारी रेशो कितनी बन गई, ये बन गया सी का 9:6:5, ये बन गया हमारा आंसर। और अगर आप इसे ऊपर वालों को काउंट टोटल भी करोगे, इसका सम भी करोगे, 9+6=15+5, फिर भी ये 20 ही आएगा, मतलब हमारी नई रेशो कैलकुलेट हो गई। अगर आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने को बोलते हैं तो आपने वो पहले ही कर रखा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लेकिन मैं उसे भी करवा दूंगा आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिस लेक्चर में भी मैंने उसे टॉपिक को कवर करवाना होगा। अगर मैं आपको बात करूं दूसरे केस की, अगर मैंने एक मेथड आपको करवा दिया, अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, दूसरा मेथड कौन सा, दूसरे मेथड में हमें क्या होगा, हमें मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स, हम सेम ए एंड बी आर पार्टनर्स आर पार्टनर्स इन 7:5, सी वाज एडमिटेड, हमने सी को ऐड किया इन पार्टनरशिप, इन द प्रॉफिट्स which he took 1/24 from A and 1/8 from B. Calculate new profit sharing ratio. हमने नई रेशो कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 7:5, पहले पार्टनर्स की थी और अब हमने नए को जब ऐड किया तो नए को 1/24 ए ने दे दिया और 1/8 किसने दे दिया, बी ने दे दिया। पहले क्वेश्चन में क्या था, हमें गिवन था कि सी के पास टोटल शेयर इतना है, मतलब टोटल सी को इतना दिया, तो मैंने ऐसे ट्रीटमेंट किया था। लेकिन अब हमने क्या करना है, ए के पास कितना शेयर है, पहले अगर मैं बात करूं ए के पास पहले शेयर है 7/12 उसके पास पहले है, उसने 1/24 अपने शेयर का किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो मैंने ए से माइनस कर दिया 1/24, एलसीएम आया 24, 2 7 14 -1, उसके बाद उसके पास बच गया 13/24। अब आ गई बारी बी की, बी के पास कितना शेयर था, 5/12 माइनस उसने कितना शेयर दिया, 1/8। तो इसको अगर मैं एलसीएम लूं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा 24 2 5 10 -3 7/24, ये आ गया हमारा ए का आंसर, ये आ गया हमारे बी का आंसर। और अगर हम बात करें सी की, तो सी को 1/24 तो दिया ए ने और 1/8 दिया बी ने, दोनों को प्लस कर लेते हैं, मान लो एक रुपया ए ने दिया एक रुपया बी ने दिया तो उसके पास 2 रुपये बन गए, तो हमें टोटल करके ही पता चलेगा ना दोनों का, ऐड करके दोनों को, तो हमने यहाँ पर भी ऐड ही करना है। तो हमारे पास एलसीएम आया 24 1 + 3, तो 4/24 बन गया सी का आंसर। तो हमारे पास नई रेशो क्या आ गई, 13:7:4, मतलब ये आ गया हमारा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये थे हमारे दो मेथड्स।
तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि आपको स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो आपका टॉपिक, आपका क्वेश्चन कभी भी आपको, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें गलती के कोई चांसेस रहते ही नहीं है जब आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हो। और ये क्वेश्चन हैं भी मेनली स्टेटमेंट पर डिपेंड करते हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या था, देखिए हमें क्या गिवन था, ए एंड बी 7:5 में पार्टनर्स हैं और उन्होंने एडमिट किया सी को, और सी को उन्होंने 1/24 एंड 1/8 बी को, बी ने दे दिया। मान लो अगर मैं इसे पैसों में कन्वर्ट करूं, अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाऊं इस चीज़ के बारे में, अगर मान लो मैं इसको पैसों में कन्वर्ट करूं, अगर मैं मान लूं कि ए के पास 7 रुपये हैं और बी के पास 5 रुपये हैं, क्या हुआ, उनके पास टोटल 12 रुपये हैं। नया पार्टनर आया सी, उसको 2 रुपये दे दिए ए ने फ्रॉम ए, एंड 1 रुपया दे दिया बी ने। अब मैंने कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे करूंगा कि ए के पास 7 रुपये थे, 2 रुपये उसने सी को दिए, उसके पास कितने रुपए बच गए, 5। कैसे पता चला, माइनस करके। और अगर बी के पास 5 रुपये थे, उसने सी को दिया 1 रुपया, तो उसके पास कितने बच गए, 4। और सी के पास कितने हो गए, 2 रुपये उसे ए ने दिए, 1 रुपया उसे बी ने दिया, तो उसके पास बन गए 3 रुपये। समझ आया आपको, तो ऐसा ही हमने यहाँ पर करना था। तो हमने यहाँ पर, और इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, मैंने यहाँ पर पैसे ले लिए और यहाँ पर शेयर दिए हुए हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।